चलिए देखते हैं आज और अभी की बड़ी खबर। तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। उनके बेटे संदीप दीक्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी है और इस दौरान पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। अंतिम संस्कार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित के निधन पर राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन की शोक की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सम्मान में दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, लेकिन जब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई तो लोगों का हुजूम देखा गया। इसमें छोटे नेता, बड़े नेता और स्थानीय लोग पूरी तरह से सम्मिलित थे। सभी अंतिम दर्शन कर लेना चाहते थे। ये वही शीला दीक्षित हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है, दिल्ली में काम के लिए जानी जाती हैं। आज भी दिल्ली के लोगों में विशेष भावना और आदर है शीला दीक्षित के लिए।